ज़्यादा पड़ गया तो कबूतर उसे लगा भी सकता है फ्रेंड्स, इसलिए चिकनाव जब भी दें बैठे हुए कबूतर को या आपके यहाँ जाल लगाए तो कोशिश ये करें पहले चिकनाव डाल दें। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, दो दिन से वीडियोस नहीं आ पाई, उसके पीछे रीज़न ये था फ्रेंड्स, मैं बाहर तक काम के सिलसिले में, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। फ्रेंड्स, कबूतर खुल रहा है रेगुलरली, उसके पीछे कोई भी इशू नहीं है, मेरे पीछे भी कबूतर दोनों दिन खुले हैं और दाना पड़ा है फ्रेंड्स उन्हें। बाकी फ्रेंड्स, आज आप लोगों को शौक कराता हूँ अपने कबूतरों को एक बार फिर से, और मैंने चिकनाव बनाया है तेल का, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा फ्रेंड्स। इससे पहले अनस भाई ने कमेंट किया था, वो पूछ रहे थे वीडियोस क्यों नहीं आ रही, तो फ्रेंड्स ऐसा है, पहले काम है उसके बाद शौक है, अगर काम करूंगा तभी शौक कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, और शौक का समय जैसे कि आप लोगों को पता है सुबह के 2 घंटे ही है। तो फ्रेंड्स आ गया हूँ छत पर और आप लोगों को शौक कराता हूँ एक बार फिर से अपने कबूतरों। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो चिकनाव मैंने बनाया है, चिकनाव है आप देख सकते हैं, ये सरसों के तेल का है फ्रेंड्स, और तेल का जो प्रोसीजर है वो मैं वीडियो में डाल दूंगा, मैंने जो तेल बनाया किस तरीके से बनाया है और कितना तेल बनाया है वो सब मैं आप लोगों को बता दूंगा। उससे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को छत दिखा देता हूँ, कबूतरों ने अच्छी खासी कुरीच कर रखी है और हवा की वजह से बहुत से पर तो नीचे वाली छत पर भी हैं और यहाँ पर भी अच्छे खासे पर हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स खोलूँगा नर और मादी ने एक साथ, क्योंकि मैंने इन दोनों को एक साथ कर दिया है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं झाड़ू लगा लेता हूँ छत पर और फिर आप लोगों को शौक कराता हूँ नर और मादी ने। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मैंने नर और मादी ने एक साथ कर दिए हैं, उनके जाल खोल दिए हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता था ये 78 कबूतर हैं, लेकिन इसमें फ्रेंड्स एक कबूतर और बढ़ गया तो ये 79 हो गए। एक मादिन और दिखा देता हूँ फ्रेंड्स जो इसमें आई है नई, फ्रेंड्स नई नहीं कौन, ये पुरानी कबूतरी है, ये दोस्त को दे रखी थी फ्रेंड्स। इधर भाई ये दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आ रही है दोबाजन, भाई दोबाजन ये जो है फ्रेंड्स दोस्त को दे रखी थी, उसके यहाँ से वापसी आई है कबूतरी। तो ये फ्रेंड्स टोटल ओवरऑल 79 कबूतर हो गए हैं। और सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इनको चिकनाव डालूंगा और उसके बाद इनको बढ़िया लगाऊंगा फ्रेंड्स। चिकनाव इसलिए पहले डाल दे रहा हूं क्योंकि एक तो बहुत दिनों बाद चिकनाव पड़ रहा है फ्रेंड्स, और दूसरा ये चिकनाव ये पहले खा लेंगे तो ये उड़ नहीं रहे हैं फ्रेंड्स। अगर उड़ता हुआ कबूतर हो तो उसे चिकनाव डाल दो वो हजम कर जाता है, लेकिन बैठे हुए कबूतर को चिकनाव अगर आप दें कभी भी तो पहले चिकनाव दे दें, उसके बाद उसे थोड़ी देर खुला रहने दें जिससे वो चटपटाता रहे, क्योंकि चिकनाव जो है वो हो सकता है अगर ज़्यादा पड़ गया तो कबूतर उसे लगा भी सकता है फ्रेंड्स, इसलिए चिकनाव जब भी दें बैठे हुए कबूतर को या आपके यहाँ जाल लगाए तो कोशिश ये करें पहले चिकनाव डाल दें, जितना भी जो भी आपको डालना है फ्रेंड्स। फिलहाल मैं जो डाल रहा हूँ फ्रेंड्स ये 3 ग्राम के हिसाब से है, 3 ग्राम का चिकनाव मैंने इनके लिए बनाया है, और ये पूरा अप्रॉक्स जो है मेरे पास ये 450 ग्राम है, और ओवरऑल जो मेरे पास कबूतर हैं वो 153 है छत पर, तो उस हिसाब से मैंने बनाया था, करीब 3 ग्राम एक कबूतर पर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैंने उड़ने वाले कबूतरों को डाल दिया है, और फ्रेंड्स इनकी थोड़ी बहुत पहले बढ़िया लूँगा और उसके बाद बाकी का दाना डालूँगा। फ्रेंड्स इस समय दाना बिल्कुल भी अभी मैंने खींचा नहीं है इनका, दाना जो खींचूँगा फ्रेंड्स वो खींचूँगा जाल हटाने से 2 या 3 दिन पहले, उससे पहले दाना नहीं खींचूँगा फ्रेंड्स, पूरा दाना जैसा पड़ता आ रहा है वैसे ही दाना इनको पड़ता रहेगा। आ आ आ फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग को बता दूं मैं इनकी बढ़िया ले रहा हूं कबूतरों की, और धीरे धीरे इनकी बढ़िया बढ़ा दूंगा मैं। अभी तो फ्रेंड्स 2 दिन से बढ़िया नहीं हुई थी इनकी, दाना पड़ गया था खाली इन्हें, लेकिन आज मैं इनसे लगभग लगभग 15 से 20 बढ़िया लेके इन्हें बंद करूंगा और उसके बाद पट्टे खोलूँगा। फ्रेंड्स उससे ये होगा जब मैं कबूतर इनको उठान पर लूँगा बाहर खोलूँगा तो ये भारी कम होंगे, वैसे तो भारी होंगे लेकिन जैसे अगर मैं अभी अगर जाल उठा दूँ तो ये बहुत ज़्यादा भारी हैं फ्रेंड्स, और तब तक थोड़ा सा वज़न इनका छड़ जाएगा थोड़ा सा तेल की वजह से भी, क्योंकि फ्रेंड्स जो मैंने तेल बनाया है ये तेल जो है मैंने कबूतरों की उठान के लिए बनाया है जिससे कबूतरों के अंदर चमक आ जाए और थोड़ा सा वज़न कबूतर हल्का कर जाए। फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ी हुई हैं, खाली 3 चीज़ों से ये तेल बना हुआ है, सॉरी तेल तो खाली
दो चीज़ों से बना हुआ है, लेकिन तीसरी चीज़ जो है वो आटे में पड़ी है फ्रेंड्स, वो आप लोगों को सब दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी मैंने क्या क्या दिया है इन्हें। फ्रेंड्स एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिस भाई को इस्तेमाल करना वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मैं किसी को बाउंड नहीं करूँगा कि वो इसे इस्तेमाल करे। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे बढ़िया खाते खाते कबूतर थोड़े से चुस्त हो गए और वो खुद समझ गए हैं उन्हें क्या करना है, वो बढ़िया अपने आप खा रहे हैं। और फ्रेंड्स जैसे कि गर्मी आप लोग जानते ही हैं, गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा है, बरसाती गर्मी है, तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लूँगा। आज सिर्फ 15 या 20 बढ़िया लेके इन्हें बंद कर दूँगा फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा बढ़िया नहीं लूँगा जब तक ये थक नहीं जाते। मतलब थकना इन द सेंस कि जैसे कि अब जो स्थिति इनकी हो गई है, आधे ऊपर बैठे रह गए, अभी तक सब नीचे उतर रहे थे फटाफट, अब ऊपर बैठे रह गए, तो इनका थोड़ा सा डिले कर दूंगा, आराम से थोड़ी देर सस्ता लेने देता हूँ इन्हें, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और कबूतर भारी भी है तो थोड़ा सी दिक्कत होती है और जगह भी कंजस्टेड है। जैसे कि अगर खुले में भड़ी लेता तो कबूतर ऊपर होके बैठता है, तो वो जगह नहीं है, कबूतर को भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है जाल से, तो उसमें थोड़ी दिक्कत तो होती है फ्रेंड्स, लेकिन ज़्यादा दिन की दिक्कत नहीं है, 5-6 दिन की बात है, उसके बाद मैं जाल हटा ही दूंगा फ्रेंड्स। सिखाता हूँ आप लोगों को इसके बाद पट्ठों का शौक। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं सभी कबूतरों ने दाना खा लिया है और आराम से बैठे हुए हैं, इनको अंदर कर देता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स खोलूँगा पट्टे। चलो 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 फ्रेंड्स सभी कबूतर चले गए हैं अंदर, क्योंकि इसमें नर जाते हैं आप लोगों को पता ही है, मादिने जो हैं वो पड़ोस वाले जाल में जाती हैं, लेकिन कुछ मादिने इसमें चली गई हैं, उनको मैं बीच में से छाट के इधर कर दूंगा और अब खोलता हूँ फ्रेंड्स पट्ठे। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे पट्ठे खोल दिए हैं बाहर और सब के सब रोटी खा रहे हैं। फ्रेंड्स इन्हें रोटी मैंने पहले इसलिए डाल दी, इसके पीछे एक रीज़न ये था, इन्होंने आज तक कभी रोटी नहीं खाई है इस तरीके की, तो जैसे कि मैंने जब पहले रोटी डाली तो ये थोड़ा सा डर रहे थे रोटी से, लेकिन उसके बाद इनके समझ में आ गया और इन्होंने ये रोटी फिनिश कर ली है, पूरी तरीके से साफ़ कर दी है। अब मैं फ्रेंड्स इनको दाना डालूँगा और उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ जो तेल मैंने बनाया है फ्रेंड्स उठान के लिए कबूतरों की, वो आपको बताता हूँ मैंने किस तरीके से बनाया है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो मैंने तेल बना के कबूतरों को डाला है वो तेल किस तरीके से बनाया है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने 1 लीटर सरसों का तेल एक भगोने में ले लिया था और इसको खौलाने के लिए गैस पे रखा, गैस को तेज फ्लेम पे रखा था, यानी कि जिसे हम फुल फ्लेम कहते हैं फ्रेंड्स, उस पे मैंने इसे अच्छी तरीके से खौलाया। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे खौलने लगा, जब ये बहुत अच्छी तरीके से खौलने लगा फ्रेंड्स, ज़्यादा मत खौलाइएगा ये जल भी जाता है, तो इसे जलाना नहीं है सिर्फ खौलाना है फ्रेंड्स। और जैसे ही ये खौल जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने इस तेल को उतार के बाहर पोर्च में ले आया, क्योंकि फ्रेंड्स इसको मुझे फाड़ना था और मैंने इस तेल को फाड़ा है 200 ग्राम दही से, आप देख सकते हैं। और जो मुझे लगता है फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही तरीका है तेल को फाड़ने का, आप आवाज़ भी सुन सकते हैं फ्रेंड्स, जो आवाज़ आ रही है इसमें ये तेल के फटने की आवाज़ है फ्रेंड्स। और आप लोगों को मैं प्लेट हटा के अभी दिखाऊँगा अभी कि किस तरीके से अंदर तेल में जो मैंने दही डाला है वो जलता है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी ये देखिए फ्रेंड्स, वैसे खोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी आपको खोल के दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग मत खोलिएगा जब तक ये ठंडा ना हो जाए फ्रेंड्स। इसके बाद जैसे कि मैं कल रोटी डालूँगा अपने कबूतरों को तेल की, तो मैंने आटा ले लिया है 450 ग्राम और इसमें 2 चम्मच छोटे वाले जो 2 चम्मच होते हैं फ्रेंड्स वो हल्दी डाल ली है। और इसके बाद इस आटे को सादे पानी से ही गूंदना है फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी नहीं मिलाना इसके अलावा। बाकी आप लोग ले सकते हैं दखनी मिर्च, जो मैंने ली है फ्रेंड्स वो 10 दखनी मिर्च है, इनको कूट के बारीक कर लूँगा पहले और उसके बाद इसे कटोरे में निकाल के रख लिया है। और फ्रेंड्स जो तेल अभी हम लोगों ने बनाया है फाड़ के, सादा तेल है फ्रेंड्स, वो इसमें मैं डाल लूँगा, 2 चमचे डालूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि 450 ग्राम है और 1 चमचे में करीब करीब 20 ग्राम के आसपास तेल आ जाता है, तो ये करीब करीब 40 से 50 ग्राम तेल होगा अंदाजन फ्रेंड्स, ये अंदाज़ा लिया है मैंने और मैं इसी तरीके से बनाता हूँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फ्रेंड्स तेल जो है कुरीच में भी काम में आता है और साथ ही साथ में कबूतरों की उठान में भी काम में आता है, और फ्रेंड्स इसकी तासीर के बारे में आपको बाद में बताऊँगा। फ्रेंड्स ये देखिए जो मैंने आटा माड़ा था उसकी रोटी सेक रहा हूँ और इस रोटी को फ्रेंड्स लो फ्लेम पर सेकना है, धीमी आँच पर, और जो तेल फ्रेंड्स मैंने दखनी मिर्च में डाला था उसको हल्का सा खौला लिया है,
खौलाने के बाद फ्रेंड्स इस तेल को मैंने रोटी के ऊपर डाल के मैश कर लूँगा। बहुत अच्छी तरीके से मैश करना है फ्रेंड्स, जितना अच्छा आप मैश कर सकें उतना अच्छा मैश करिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, मैं इसको कद्दूकस से घिसूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स गोलियां तोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और कबूतर बहुत हैं, तो इसलिए मैं कद्दूकस से घिसूँगा। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से टूट गया है और इसे कबूतर सब अच्छी तरीके से खा भी लेंगे। फ्रेंड्स इसमें क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखना।